सब्सक्राइब करिए फर्नीचर रियाज चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू फर्नीचर रियाज दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा मार्किंग गेज को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, इसमें हमारी इधर की तरफ दो पिने हैं, ये स्लाइड हो जाती है। अब एक एक इंच की हमने जैसे काटनी है, बड़ा इजी 4 mm का गत्ता है। हम जैसे रीप वगैरह कहीं भी काटते हैं, बड़ी इजी आसानी तरीके से लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ऐसे दोनों तरफ से तोड़ने में बड़ी आसानी रहती है। इसको आप कोई भी माइका वगैरह जैसे पट्टी वगैरह काट रहे हो तो उसको भी बड़ी आसानी से आप काट सकते हो। ये देखिए दोस्तों, ये बड़ी आसानी से कट गया। और इधर भी देखो दोस्तों, ये अपने इस तरीके से आप पट्टी उतार सकते हो। दोस्तों ये देखो, इस तरीके से कटी आप आज इसे जल्दी कट जाएगी, और जिस भी तरीके से आप काटना चाहो काट सकते हो। अब हम आपको माइका काट के दिखाते हैं, जिससे हम रीप लगाते हैं, बेडों में डिजाइन वगैरह लगाते हैं, वो हम किस तरीके से काटते हैं। दोस्तों ये आपको मैं सिंगल रीप उतार के दिखाता हूँ। दोस्तों इधर पीतल का ये इसीलिए लगा हुआ है, अभी इसके अंदर ये कोई भी हम माइका वगैरह काटते हैं तो इसका खांचा, लकड़ में खांचा ना बने, इल्ले की भराई वगैरह करने तो भी बड़े आसानी से हो जाएगी इससे। अब हम सरमाइका काटेंगे। दोस्तों इसमें स्टील की पिन है, धार इतनी तेज है कि यानी ये पीस कट के अपने आप लग हो जाएगा। ये देखिए मैं हल्का सा इसको, ये देखिए कितनी सफाई से कटा ये। बाकी हल्का सा फालतू करके आप रंधा वगैरह लगा सकते हैं इसके ऊपर। देखिए दोस्तों अब एक बार हम ये वाली साइड से भी काट लेते हैं। दोस्तों मैं दीवान वगैरह में जो उनसे डिजाइन वगैरह लगाते हैं, मैं ऐसे ही काट के लगाते हैं, और इनके टुकड़े वगैरह कई कारपेंटर भाई पूछते हैं भाई कैसे लगाते हैं। भाई यही तरीका है, इसी तरीके से लगाते हैं। ये तो होगी दोस्तों ये वाली गेज, इसके हम आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे इसको हम ये हिलाएंगे तो ये हिल जाता है, तो एक दूसरी इसमें गेज है, ये देखिए दोस्तों। इसमें क्या होगा, जितनी आपको ये गेज रखनी है ये उसी प्रकार से उतना ही काटेगी। अब मैं आपको इसमें से भी उतार के दिखाता हूँ पीस, कितने शानदार दो पीस उतरेंगे। ये देखो दोस्तों, ये भी जैसे ये तो हमारी फिक्स होगी ना दोस्तों गेज, ये यानी कि गेज हमारा आगे पीछे करने है, जिससे हम कर सकते हैं। इसका फिक्स करने का यही है, बीच को एक बार फिक्स होगी यहीं पर रहेगी, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। ये देखो मैं आपको ये आपको दोस्तों करके दिखाता हूँ। दोस्तों ऐसे इल्ले इल्ले वगैरह की भराई वगैरह करनी हो तो बड़े आसानी से हो जाती है, कोई भी भराई वगैरह करनी हो, क्योंकि इनकी धार इतनी तेज है कि हल्की सी चोट से मारोगे तो मिट जाएंगे। यहाँ भी छोटी छोटी पट्टियाँ वगैरह लगती हैं मैके की, वहाँ लगा सकते हो अपने हिसाब से, एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हो। दोस्तों ये देखो कितनी सफाई से पीस उतरे हैं, छोटे पीस जैसे हम।
एक पीस आपको टीक प्लाई का भी काट के दिखाता हूँ दोस्तों। ये मैं दोस्तों आपको यूज करना बता रहा हूँ भाई, कैसे यूज किया जाता है। ये टीक प्लाई का विनियर है हमारे पास दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने कारपेंटर भाइयों में शेयर जरूर करना है। ये देखो इसी प्रकार से हमारी टीक प्लाई है। छोटी आरी में दोस्तों बड़ा टाइम लगता है स्टेक की आरी में, छोटे पीस में काटने में। आप अपने हिसाब से सेट वगैरह कर सकते हो। ये देखो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इसमें हल्का सा सैंड पेपर वगैरह मंगा रहो तो तैयार हो जाएगी। ये हल्का सा रंधा वगैरह लगा सकते हैं। और दोस्तों मेन बात ये है कि इससे यानी कि कटा हुआ पीस एक जैसा है, इसका मेजरमेंट एक जैसा होगा, सारा मेजरमेंट एक जैसा है। जैसे हमने ये पीस उतारे हैं इनका बिल्कुल साइज एक जैसा, ये नहीं हो सकता भी अंदाजे से कहीं से पतला होगा मोटा होगा, गेज का मतलब ये है दोस्तों। इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो, अपने अपने तरीके हैं सबके, जैसा भी चाहो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और यारों दोस्तों में इसको भेजना दोस्तों आप लोगों ने, और बेल आइकन का बटन दबा देना मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Sky. We are heroes tonight.